स्टूडेंट्स, हमने ये तो देख लिया कि कॉमन सॉल्ट हमने कैसे बनाया, एक एसिड और एक बेस को मिक्स करके। क्या क्या लिया था? बेस में हमने NaOH लिया था और एसिड में HCl लिया था। दोनों को रिएक्ट कर हमने क्या बनाया था? हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट। नाउ इस कॉमन सॉल्ट से स्टूडेंट्स हमने बात की कि हम बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। ठीक है, ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होता है बहुत सारे केमिकल्स बनाने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट केमिकल हम बना रहे हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, NaOH, ये बहुत इजी है रिएक्शन। जैसे हमने कॉमन सॉल्ट बनाया था उसकी रिवर्स है, उल्टी है। जो इधर थे प्रोडक्ट में वो अब रिएक्टेंट में आ जाएंगे, जो रिएक्टेंट में थे वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे। सो पहले हम देखते हैं कि इसका कॉमनली इसका नेम हम कैसे जानते हैं। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा भी हम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या है? NaOH। ठीक है, और बहुत सारे केमिकल्स बनाने के लिए स्टार्टिंग में हम NaOH का यूज करते हैं। जैसे अभी हमने देखा कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए हमने किसका यूज किया? NaOH का। तो ठीक है, अब हम NaOH बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? कॉमन सॉल्ट का। बस रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन, कुछ भी नहीं है। NaCl लिया, वाटर एड किया, पर अब इसमें क्या की? इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो मेरा क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। लेकिन अब प्रोडक्ट में क्या निकलेगा साथ में? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये यहां पर डिफरेंट है, वहां पर HCl यूज किया था, लेकिन यहां पर क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और आपको याद रखना है कि हम सोडियम क्लोराइड को ब्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड को? ब्राइन। NaCl को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन। और प्रोडक्शन किसकी हेल्प से हो रही है? इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हमारी जो है डिकम्पोजिशन होती है और NaOH बन जाता है। डिकम्पोज होके NaCl हमारा क्या देता है? हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ इस प्रोसेस को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। देखो क्लोर क्यों बोला? क्लोरीन मिल रहा है। क्लोर क्यों बोला? क्लोरीन मिल रहा है। और अल्कली क्यों बोला? क्योंकि हमें बेस मिल रहा है। बेस को क्या, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं वो क्या होते हैं? अल्कली होते हैं ना, तो NaOH मिल रहा है इसलिए अल्कली बोला। तो इस प्रोसेस का नेम हमने क्या दिया? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर फॉर क्लोरीन, अल्कली फॉर NaOH। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें देखो हमें जो जो प्रोडक्ट मिले वो हमें क्या क्या मिलेंगे? हमें पता है इलेक्ट्रोसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं तो एक एनोड बनाते हैं, एक कैथोड बनाते हैं, दो बनाते हैं ना, दो इलेक्ट्रोड ऐसे अटैच करते हैं, एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है। देखो क्लोरीन गैस कहां पर मिलेगी? एनोड पर। कहां पर बनेगी? एनोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां पर बनेगी? कैथोड पर। हाइड्रोजन गैस कहां पर बनेगी? कैथोड पर। अपोजिट याद रखना, सी सी वाले पास नहीं जा रहा। ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड के पास जा रही है और हाइड्रोजन गैस कैथोड के पास जा रही है। लेकिन NaOH सॉल्यूशन कहां पर मिलेगा? नियर कैथोड। कहां पर मिलेगा आपको? नियर कैथोड। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी प्रिपरेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH की, और इसको हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कॉस्टिक सोडा का मतलब यही है कि आपको NaOH की राइट करनी है रिएक्शन। गॉट इट स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स, हमारा एक ये टॉपिक था NCERT बुक में है, पीएच के बाद ही था ये टॉपिक हमारा। लुक केयरफुली, क्या था? कुछ नेचुरल सोर्सेज दिए हैं और उसमें उसका बताया कि एसिड कौन सा होता है। लाइक विनेगर में कौन सा होता है? एसिटिक एसिड। ठीक है स्टूडेंट्स, विनेगर में क्या होता है? एसिटिक। देखो जहां भी आपको एसिटिक दिखे वहां पर क्या है? दो कार्बन प्रेजेंट है। क्या होते हैं? दो कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये अभी जब हमारा चैप्टर आएगा स्टूडेंट कार्बोनेटेड कंपाउंड, तब आपको पता लगेगा। ठीक है, क्लियरली आपको तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑरेंज में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। जो हम ऑरेंज खाते हैं उसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में क्या होता है? टार्ट्रिक एसिड। टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे ही सॉर मिल्क, खट्टे मिल्क में हमें क्या मिलता है? लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या होता है? लेमन में हमारा स्टूडेंट होता है सिट्रिक एसिड। एंट स्टिंग में क्या होता है? जब वो हमें काट जाती है तो मिथेनोइक एसिड हमें मिलता है। नेटल स्टिंग में मिथेनोइक एसिड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एसिड्स हमें इनमें मिलते हैं।
नाउ आगे हम चलते हैं, ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। एसिड्स हमने सॉरी सॉल्ट्स हमने स्टार्ट कर लिया है, पीएच देख ली है, केमिकल कॉमन सॉल्ट मैंने आपको बताया, सी वाटर वगैरह का कहां से मिलता है। नाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम आज कर चुके हैं, अब हम करेंगे यूजेस। आपको ये होमवर्क है, आपको खुद इनके यूजेस राइट करने हैं। आपके एनसीईआरटी बुक में ये दिया हुआ है, कैथोड पे क्या मिला मुझे, हाइड्रोजन गैस मिली, और वो किस लिए यूज होती है, फ्यूल्स बनाने में, ठीक है। और यहां पर अमोनिया बनाने में हमने देखी थी उसकी रिएक्शन, तो आपको ये यूजेस खुद राइट करने हैं स्टूडेंट। क्लोरीन ऐसे क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस यूज करते हैं ना, क्लोरीन का यूज किया जाता है स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी में, डिसइंफेक्टेंट्स में, सीएफसीज में, पेस्टिसाइड्स में। और एनईएच के यूज क्या है, ये क्या करता है, डीग्रेजिंग करता है मेटल्स की, सॉप्स बनाने में यूज होता है, डिटर्जेंट्स बनाने में, पेपर बनाने में, और आर्टिफिशियल फाइबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद अब जब ये मिक्स होकर एचसीएल अगर बनता तो क्या यूजेस हैं, स्टील को क्लीन करने में, अमोनियम क्लोराइड बनाने में, मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स में एचसीएल यूज होता है। और जब ये हम अभी हमारा जब नेक्स्ट में आएगा कि ब्लीच, सीएल और एनओएच मिलकर ब्लीच बनाते हैं, वो हम तब करेंगे कि ब्लीच का यूज किस चीज में होता है। सो योर होमवर्क इज आपको राइट करना है हाइड्रोजन के, क्लोरीन के, एनओएच के, एचसीएल के, आपको यूजेस राइट करने हैं। आप अपने आप ये राइट करेंगे अपनी नोटबुक में, दिस इज योर होमवर्क। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप जो है वीडियोस वॉच नहीं कर रहे हैं, अगर आपको वीडियो वॉच ही नहीं करनी है तो आप प्लीज मुझे बता दो, मैं नहीं बनाऊंगी, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रही हूं, आपके लिए कर रही हूं ना, जस्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे फिर हम भी आपको, वीडियो बनाने की हमें भी नीड नहीं है ना, जस्ट आपको नोट्स कॉपी करने हैं एंड देन हमें नोट्स की पिक सेंड कर देनी है, वीडियोस तो आप लोगों ने देखनी ही नहीं है ना। सो प्लीज वीडियो वॉच कीजिए, ये आपके लिए ही बेनिफिट है, हमारे लिए इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, आपका ही बेनिफिट है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।